आप अपना राशन कार्ड है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है उसमें कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं। और आप अपना जो राशन कार्ड है वो मोबाइल फोन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन का जो प्ले स्टोर है उसमें आप आएंगे और आने के बाद यहाँ पे जो सर्च आइकन है इसमें आप यहाँ पे सर्च करेंगे मेरा राशन। और जैसे आप मेरा राशन यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर मेरा राशन यहाँ पर 2.0 करके ये एप्लीकेशन है ये आपको व्यू हो जाएगा। इसको जो है कि इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ओपन करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ओपन करेंगे और जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं तो यहाँ से कुछ परमिशन आपको जो है कि अलाउ करना पड़ेगा। जैसे बाकी सभी एप्लीकेशन में आप परमिशन को अलाउ करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो परमिशन है उसे अलाउ कर देना है। उससे पहले यहाँ से आप जो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं मेरा राशन यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पर होता है, लॉगिन डिपार्टमेंटल यूज और लॉगिन बेनिफिशरी। तो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट यहाँ पर टिक होगा बेनिफिशरी यूजर, आपको यहाँ पर टिक लगा होगा। यहाँ से आपका जो आधार नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो कैप्चा ये वाला व्यू होगा यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा जो है चेंज हो जाएगा। फिर लॉगिन विद ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उसके बाद जो आपका जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। और फिर आप यहाँ से इस तरीके से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल, ओके पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट एम पिन का ऑप्शन आता है। तो आप जो है कि यहाँ पर पिन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर स्किप भी क्लिक करेंगे स्किप पर। और उसके बाद यहाँ से आपका जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का जो यहाँ पर राशन कार्ड है वो आपका भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे यहाँ पर इस राशन कार्ड में मेंबर्स हैं सभी आपको भी हो जाएगा। फिर ऐसे बैक आते हैं और बैक आने के बाद अगर आप इसमें और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे एड यहाँ पर न्यू मेंबर पर क्लिक करके यहाँ से और भी लोगों को आप जो है कि जोड़ सकते हैं, यहाँ पर मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो राशन कार्ड है हेड ऑफ फैमिली का, आप ये जो डाउनलोड वाला आइकन है आप इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद ये जो आपका कार्ड है इस तरीके से आपका जो राशन कार्ड है वो आपका इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो